इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लैपटॉप में व्हाट्सएप का प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेना होगा और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप वेब। जैसे आप व्हाट्सएप वेब सर्च करेंगे तो व्हाट्सएप वेब जैसे सर्च करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड आपको दिखाई देगी, जैसे क्यूआर कोड दिखाई देगी तो लिंक डिवाइस पे जाना है और लिंक कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको लिंक कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको फिर बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये लिंक हो चुका है। लिंक होने के बाद हमारा व्हाट्सएप ओपन हो रहा है लैपटॉप में। इसके बाद एक फाइल को हम प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारी एक एमएस वर्ड की फाइल है, एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट है। तो इसे हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद फिर कैसे प्रिंट होता है ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है और इसको हम इस तरीके से ओपन करते हैं। तो ये हमारी फाइल हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इसको अब हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर इनेबल एडिटिंग लिखा हुआ है, तो इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने लैपटॉप में जाके कंट्रोल प्लस पी हम प्रेस जैसे करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देती है कितने कॉपीज आपको प्रिंट करना है, वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ पे हमें ये दिखाई देती है कि कैनन प्रिंटर है और यहाँ पे आप कितने पेज के साइज को यहाँ से A4 साइज रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं, लैंडस्केप में रख सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना प्रिंटर को यहाँ से प्रिंट जैसे देंगे, तो हम आपको ये भी बता दें कि हमारे बगल में ही प्रिंटर है, कैसे प्रिंट होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे हमने प्रिंट दिया तो हमारा ये प्रिंट होकर निकल चुका है। तो चलिए हम दिखाते हैं किस तरीके से हमारे सामने प्रिंट आ चुका है। और तो गाइज, जैसा कि देख सकते हैं, ऊपर से हमने एक पेज लगाया और पेज लगाने के बाद हमारा जो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब था, ये हमारा प्रिंट आ चुका है और यहाँ से हमारा प्रिंट निकल चुका है। इसके बाद हमारा प्रिंट निकलने के बाद हम आसानी से कोई भी फाइल को अपने लैपटॉप से, व्हाट्सएप का लैपटॉप से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही बताने की कोशिश की कि कैसे आप प्रिंट करेंगे व्हाट्सएप का कोई भी डॉक्यूमेंट को लैपटॉप में। तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।